हे दोस्तों, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो नीट 2019 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो में मेरे पास ऐसा अपडेट है जो आप सभी को जानने की ज़रूरत है। HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने क्लेरिफाई किया है कि जो NTA जो है वो नीट का एग्ज़ाम और JEE का एग्ज़ाम लेने वाली है, वो ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट नहीं करा रही है, बल्कि कंप्यूटर बेस्ड मोड पर कंडक्ट करा रही है। तो ऑनलाइन मोड और कंप्यूटर मोड में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन मोड का मतलब ये होता है कि उसमें इंटरनेट का यूज़ होता है। कंप्यूटर में बैठकर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा वो इंटरनेट के द्वारा आएगा, और फिर जो आंसर चूज़ करेंगे वो इंटरनेट के द्वारा वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड मोड पर क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड में आपके कंप्यूटर में एग्ज़ाम देना होता है और जो पेपर पहले से ही डाउनलोड होता है और उसी पर आपका एग्ज़ाम देना होता है। उसमें इंटरनेट का कोई भी यूज़ नहीं होता है, यानी क्वेश्चन पेपर आपका पहले से ही उस कंप्यूटर में होगा और उसी में से आंसर चूज़ करना होगा। एक और चीज़ उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट जो है उनको शायद पेपर में भी एग्ज़ाम देने दे इस साल, क्योंकि यह पहले साल है इसलिए वो लोग शायद ऐसे अलाउ कर सकें। यहाँ पर लिखा गया है द मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो सेड द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग टू अलाउ स्टूडेंट टेक द टेस्ट यूजिंग पेपर आंसर शीट ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल फर्स्ट ईयर। यानी जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर पर, उसमें मिनिस्टर ने ऐसा भी कहा है कि शायद वह लोग पेपर को आंसर शीट में लिखने दें, क्योंकि यह पहले साल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि कंप्यूटर में एग्ज़ाम कैसे दिलाएं, इसलिए पहले साल में वो लोग आंसर शीट में भी शायद आपको एग्ज़ाम देने दें। फिर दूसरी चीज़, उन्होंने ऐसा क्यों किया, पहले वो लोग ऐसी बात कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन अभी चेंज क्यों हो गया, उसका रीज़न यह पता चला है कि इंटरनेट कनेक्शन कुड नॉट बी यूज इन सम एरिया। यानी हर जगह पर जो इंटरनेट स्टेबल नहीं होता, इंटरनेट 24 आवर यहाँ पर नहीं होता, पावर कट हो जाने पर इंटरनेट भी चला जाएगा। उन्होंने ऐसा डिसीजन किया है कि एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर पर एग्ज़ाम का पेपर पहले से ही होगा और उसे बस उसमें टिक मार्क करना है, इंटरनेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वह यह है कि स्टूडेंट जो है वह ट्रेनिंग कर सकते हैं। यानी आप कंप्यूटर के साथ फैमिली नहीं हो, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि कंप्यूटर में एग्ज़ाम कैसे दें, तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट फैसिलिटी आप सभी के लिए अरेंज किया जाएगा, वह भी फ्री। यानी आप फ्री में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कंप्यूटर में एग्ज़ाम कैसे दें और उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ताकि जब आप फाइनली नीट का एग्ज़ाम दें 2019 पर, तब आप आराम से दे सकें और आप कॉन्फिडेंस से दे सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे द्वारा अपडेट किए हुए वीडियोज़ तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।